पे वीडियो बनाते हैं ना, तो आपके साथ प्रैंक हो गया भाई, प्रैंक। अरे ऐसा कुछ नहीं यार, तुमको तो मंगा पैसे लेके आ रहे हो, तैयार कर लिए मेरे पैसे, रात ही देख लेता है, अब सुबह पैसे तैयार कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे एक वीडियो आई, सेलिंग माय कार फॉर ₹100। मतलब टाइटल और उसमें वो थंबनेल में तो यही था, पर उसकी वीडियो में मतलब OLX वगैरह ऐसा अलाउ नहीं करता है इतने कम रुपये डालने को। तो मतलब उसने अपने 30-40 लाख रुपये की कार मतलब बहुत सस्ते में डाल दी, लोगों के बहुत एपिक रिएक्शन आ रहा था, कह रहा भाई ये वो, मतलब बहुत तोड़ था। तो हमने कहा ये तो हम भी कर सकते हैं, तो हमने कहा हम भी अपनी कार के लिए कैसे वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, उसे साफ वगैरह करते हैं, उसको फिर देखते हैं बहुत सस्ते में, देखूँगा कितने में मतलब OLX कितना अलाउ करता है। और अपने दोस्त को बुलाता हूँ, एक नया सिम लेता हूँ, वही नंबर डालूंगा उसमें कॉन्टैक्ट के लिए, क्योंकि भाई अगर अपना नंबर डाल दिया तो बाद में कॉल कर करके भाई बिक गई भाई बिक गई, परेशान कर देंगे। एक वीडियो के लिए एक नया नंबर लेंगे, वो नया नंबर रख लेंगे, या मतलब कुछ टाइम के लिए उसे स्विच ऑफ कर, मतलब जो भी करेंगे वो दिखा देता हूँ। गाड़ी निकाल के रहता हूँ, फोटो खींचता हूँ, अपना एक कंपनी का लोगो बनाएंगे, लोगो कि हाँ ये हमारी कंपनी है। कंपनी का नाम क्या रखेंगे? कंपनी का नाम रखेंगे NS कार कलेक्शन, NS नितिन सिंह कार कलेक्शन, ठीक है। गाड़ी निकाल के लाते हैं, ये आ गया मैं यहाँ पे गैराज पे, देखो कितनी गंदी हो रही है, इसे साफ वगैरह करूँगा, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, फ़ोटो अच्छी आएंगी नहीं। इसे साफ वगैरह करते हैं, इसको डालते हैं OLX पे, और इसके लिए पहले वो बनाएंगे क्या, एक कंपनी का लोगो बनाएंगे NS कार कलेक्शन करके। चलो पहले इसे लेके चलते हैं, साफ वगैरह करते हैं, ठीक है। अंदर से भी मैंने साफ कर दिया, ये देखो। अब पहले इसके खींचता हूँ अंदर से फोटो इंटीरियर के, फिर खींचूंगा एक्सटीरियर के, और बस फिर बनाएंगे लोगो, फिर कर देंगे इसे पोस्ट, फिर आएंगे रिएक्शन, बढ़िया बढ़िया मज़ा आएगा, है ना। चलो अब इसे क्या करते हैं फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है। फोटो वगैरह खींच लिए, अब चलते हैं घर में, फिर करते हैं पोस्टिंग वगैरह, इसे कर देता हूँ लॉक। गाड़ी की सफाई वगैरह कर ली और इसके फ़ोटो वगैरह भी खींच ली, कुछ फ़ोटो ये हैं जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये फ़ोटो खींचे हैं, ये देख चेक करें आप। इसकी पोस्टिंग वगैरह करते हैं और OLX पे डालते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना प्राइस। अभी पहले इसका चेक करते हैं कि OLX पे और मतलब लोगों ने जो डाल रखे हैं उसके कितने कितने प्राइस डाल रखे हैं, फिर हम डालेंगे अपना प्राइस। चलो तो ये आ गया मैं अपने फ़ोन पे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी कोई कंपनी, जैसे कोई भी वो होगी तो वो होगी ना दुकान नाम से, मतलब उसकी फॉर्म वगैरह, तो हम बनाएंगे NS कार कलेक्शन के नाम से। अब मैं ये खोलता हूँ कैनवा ऐप, जो मैंने वो अपनी फ्रेंचाइजी बनाई थी NS कार कलेक्शन, वो सबकी कार की नंबर प्लेट पर जहाँ जहाँ दिख रही है वहाँ वहाँ वो लगा दी। ये चेक कर लो आप, यहाँ यहाँ पे लगा दिए ये। अब इसे करते हैं, नहीं पहले अब देखते हैं OLX पे क्या क्या प्राइस डाले हैं, फिर हम अपने प्राइस डालेंगे, ठीक है। तो जी आ गया मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, मैंने वो अपना वो तो बना लिया था लोगो, अब देखता हूँ OLX पे लोग अपने स्विफ्ट कितने कितने की बेच रहे हैं। बहुत तो ये जी जैसे आ गई हैं यहाँ पे, तो ये खुल गया, जैसे देखो 5.5 लाख की आ रही है, 2,75,000, 2,10,000, 3.5 लाख। अब इसमें हम अपनी डालते हैं कार, ठीक है। अब मैं दबाता हूँ सेल पे, कार पे टच करा, ब्रांड है मारुति सुजुकी। Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we speak. ₹100 नहीं आ रहा, मिनिमम वैल्यू आ रही है 15,000, तो मैं इसमें डाल देता हूँ ₹20,000, ठीक है। 20 भी नहीं, चलो 20 रहने देता हूँ, 20,000। नेक्स्ट कृष्ण लाल जी, नेक्स्ट। तो वो मैंने कर दिया जी, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ पोस्ट, मैंने ये कर दिया पोस्ट, ठीक है जी। हमारा ऐड हो चुका है पब्लिश, प्रीव्यू ऐड पे देखता हूँ कैसा लग रहा है, ये लग रहा है। अब देखता हूँ कैसे कैसे रिएक्शन आते हैं सबके किसका क्या मैसेज आता है, क्या होता है वो देखता हुआ, है ना। अब आने दो फिर बताइए।
बैठा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर बाद मैंने अभी ये खोला ना अपना OLX, मैंने अपने ऐसे ऐड पे गया, मेरा ऐड ये रिजेक्ट कर दिया यार। रिजेक्ट इसलिए कर दिया है कि मतलब ये देखो, ये फॉलोइंग रीज़न है इसके, या तो मैंने प्राइस बहुत कम डाला है या बहुत ज़्यादा डाला है। तो ज़्यादा तो हमने डाला नहीं है, कम डाला है। इसे एडिट करके कितना कर दूँ, यहाँ से सब सही है, नेक्स्ट करा, प्राइस को एक बार 50,000 कर दूँ क्या, 50,000 कर देता हूँ यार। नेक्स्ट अब हो जाना चाहिए, अब हो जाएगा जहाँ तक है। अब आएंगे ना रिएक्शन, वो देखते हैं। चलो जैसे किसी का कॉल या मैसेज वगैरह आएगा वो दिखाता हूँ। भाई मैंने 50,000 रुपये प्राइस कर दिए थे गाड़ी के, फिर भी OLX ने मेरा अकाउंट ही डिसेबल कर दिया तब तक। लेकिन मैंने 3-4-5 स्क्रीनशॉट ले लिए थे जिनसे मेरी बात हुई, और मैंने 3-4 जनों के नंबर ले लिए थे, उनको मैंने कॉल भी करा पहले। तो आप ये देखो जो मतलब ये मैसेज आया ना, स्क्रीनशॉट देखो, ये स्क्रीनशॉट जो लिए मैंने सबके फ़ोटो वगैरह हाइड कर दिए, नंबर से ID थी। इसने मेरा नंबर मांगा, कह रहा सेंड कॉन्टैक्ट नंबर। और इसका आया, इसने 55,000 रुपये लिख दिए, कह रहा 55,000 रुपये का ऑफ़र लगा दिया इसने। इसका मैसेज आया, इज़ इट अवेलेबल, नंबर भेज रहा है अपना। अरे यार इसे सस्ती इसमें ही महंगी लग रही, 37,000 भेज रहा है बस, बताओ यार। इसने 40,000, एक और था 40,000 वाला, एक और आ गया 40,000 वाला, इसका नाम देखना चेक करना। इसने 52,000 भेजा अपना नंबर भेजा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा था, मैंने इसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया बाद में इसकी। ये आपने स्क्रीनशॉट, अब मैं बताया ना जैसे वो ऐड तो डिसेबल हो गया मेरा, OLX ने अकाउंट भी डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब जिनसे मैंने कॉल में बात करी, ओहो देखो जरा यार क्या बात हुई है, देखो। और जो ये पहले वाला बंदा है ना, बंदा है ये, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड हो गया जी, नेक्स्ट लेवल की जी। नहीं नहीं 1,00,000 रुपये से भाई गाड़ी लेने आ रहा हूँ, वही भर के। ये देखो देखो जरा यार इसका रिएक्शन देखो, देखो। हेलो, हाँ जी, NS कार कलेक्शन से बात कर रहा हूँ, आपकी इंक्वायरी आई थी। हाँ जी, हाँ जी सर, आई थी हमने OLX पे ऐड देखा था आपका 50,000 की गाड़ी का। हाँ जी, गाड़ी बेचना मत, मैं आ रहा हूँ 1,00,000 रुपये लेके। 1,00,000 रुपये ले गए सर, कहाँ से बात कर रहे हो आप? अभी एंड टू एंड कैश दूंगा, कैश। अरे सर वो तो सही है, लेकिन अभी वो मालिक उसका मन बदल रहा है ना थोड़ा। मुझे नहीं पता, मुझे वो गाड़ी चाहिए, वो मैंने ऐड देखा 30-60 गाड़ी कहने मिल रही। अरे भाई वो उसका मालिक जो है ना, उसका मन बदल रहा है, सेल करने का मन नहीं कर रहा उसका। अरे मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ भागते भागते। अरे यार वो ये हम YouTube पे वीडियो बनाते हैं ना, तो आपके साथ प्रैंक हो गया भाई, प्रैंक। यार चलो ठीक है भाई, गाड़ी नहीं मिल रही आपको, गाड़ी नहीं मिल पाएगी आपको, सॉरी। दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला ये, अब जो आप देखोगे ये इतना होशियार होती, मतलब होशियार है तो ये समझ जाते, इसने कुछ ज्यादा वो नहीं करता है, ठीक है, इसका रिएक्शन दे। हेलो आप, ये NS कार कलेक्शन से बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, NS कार कलेक्शन से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही में सेल कर रहे हैं, सही में सेल कर रहे हैं। वो ऐसा है ना, हम जो है डीलर हैं, हमारे पास मालिक आया था, मालिक कह रहा है कि मुझे बाहर अपने बेटे को कनाडा भेजना है, तो उसे पैसों की बहुत अर्जेंट नीड है ना, तो इसलिए वो बहुत कम में सेल कर रहा है। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपने फोटो देखी होंगी, A1 कंडीशन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरे सर वो ये हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, तो ये प्रैंक कर रहे हैं, हमने ऐसे ही डाला था कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी भैया, सॉरी। ठीक है भैया, बुरा मत मानना आप, तीसरा वाला तो गाँव का होता है यार, क्या इसने कराया, देखो देखो मजा आ गया, देखो। हेलो,
हाँ आपकी इंक्वायरी आई थी सर, हमारी हम कार बेच रहे हैं OLX पे। हम देख रहे 50,000 रुपए में गाड़ी मिले। हाँ 50,000 रुपए में गाड़ी है। कोई खराबी तो नहीं है, चोरी हो या फिर इसमें ठुकी पिटी गाड़ी हो? ठुकी पिटी ना को। और यो वो आज जो जो की गाड़ी है यो, वो बहुत पैसे वाला बंदा होती। अच्छा वो गाड़ी बेचती और बाहर चली जाती। अच्छा अच्छा हाँ, वैसे हमको चाहिए गाड़ी। आपको फर्जी वाला तो नहीं है रे? फर्जी वाला नहीं होती, पर आपको गाड़ी नहीं मिल पाती है क्योंकि अभी हमारे दोस्त के साथ भी एक दुर्घटना हो गई। ये गाड़ी आपको नहीं मिल पाती क्योंकि ये गाड़ी बिक गई होती ऑलरेडी। अरे नहीं यार, गाड़ी हम पैसा तैयार कर रहे हैं, गाड़ी बिक गई होती है। नहीं हम पैसा तैयार करके बैठे हैं, तभी कॉल लगाया तुमको। सॉरी सर, आपको गाड़ी तो नहीं मिल पाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले हेड डालते हो उसके बाद मना कर देते हो। गाड़ी तो सर मिल नहीं पाएगी। आप ना, आप फोन चलाते हो? फोन हाँ, पूरा स्मार्टफोन चलाते हैं, 6 इंची वाला। यूट्यूब है आपके फोन में? यूट्यूब हाँ वो भी चलाते हैं हम। यूट्यूब पे जो होती ना, हम वीडियो बनाती आपके साथ, हम प्रैंक करती, गाड़ी नहीं बेचती। ऐसा नहीं, नहीं नहीं, बहुत गलत करते हो, मैं कंप्लेन कर दूंगा ऐसा अगर करोगे दोबारा तो। कंप्लेन नहीं करती सर, गलती हो जाती कभी कभी हमसे। नहीं हम छोड़ेगा नहीं तुमको। ठीक है जी, कंप्लेन कर देती फिर हमारे नाम का तुम। मैं छोड़ेगा नहीं तुमको, देख लेना मैंने नंबर नोट डाउन कर लिया है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो जी, कैसा लगा आप सभी को ये ब्लॉग? उम्मीद करता हूँ ब्लॉग देख के आपको मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो ब्लॉग को एक लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो पे, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मतलब बहुत सारे मतलब रिएक्शन लेता मैसेज आते तो। पर OLX ने यार मेरा वो अकाउंट डिसेबल कर दिया, मतलब मैंने रॉन्ग प्राइस डाल दी थी तो। और अगर कुछ प्राइम वगैरह कराना है तो नीचे कमेंट करना, और मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।